एक टावर है जो 30 मीटर हाई है, वो कास्ट कर रहा है एक शैडो जिसकी लेंथ 10√3 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड। देन हमें जो बताना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है। सो सपोज करिए कि ये एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है ना, ये 30 मीटर है। अब ये शैडो एक कास्ट कर रहा है, सो सपोज करिए कि ये जो शैडो है यहां तक है, ये 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब हमें बताना है ये एंगल कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ना। सो सपोज करिए कि इसे हमने थीटा ले लिया। अब यहां पे हम 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 30/10√3। अब देखिए यहां पे 10 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, सो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/√3। अब √3 नीचे है तो रेशनलाइजेशन से हम इसे हटाएंगे रूट को, और 3 भी ऊपर है तो 3 नीचे जब आएगा रेशनलाइजेशन से तो कट भी जाएगा। सो दो पर्पज़ हैं हमारे पास रैशनलाइजेशन करने के, है ना। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3√3 और नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल, सो 10 थीटा इक्वल टू हो गया √3। अब 10 में जब हम देखते हैं √3 तो हमें मिलता है 10 60 डिग्री, 10 10 कैंसिल आउट, सो थीटा इज द 60 डिग्री। सो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ओके okay?